वीडियो चालू हो गए नहीं चालू भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो थोड़ी सी कैसे बताऊं आपको, खुशी की है। 26 जनवरी की स्कीम में हमारे कई बकरे बिके थे, जिसमें से हमारे आकिब भाई ने भी एक बकरा लिया था जो कितना 89 केजी पे था बकरा। और आज यह खुशी का मामला है, वो काफ़ी खुश हुए आज आए हमारे फार्म पे और उनका बकरा माशाल्लाह 100 केजी टच हुआ है आज, यानी 26 जनवरी से अभी एक महीने के अंदर 89-11 किलो वेट गेन हुआ माशाल्लाह हमारे फार्म पे। मैं जो फीड के रिजल्ट के बारे में हमेशा बताता हूँ कि हमारा फीड बहुत अच्छा चल रहा है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका भी रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हमारे फार्म पे भी रिजल्ट आ रहा है। बकरा आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफी बड़ा बकरा है, अच्छा बकरा है। आकिब भाई ने लिया था 89 में, खाने में भी माशाल्लाह बकरा बहुत अच्छा है और अल्लाह उसको नजर से बचाए, क्योंकि हम लोग जल्दी ये सब चीजें ओपन नहीं करते कि क्या वेट गेन हुआ है। लोगों की नजर बहुत ज्यादा लगती है और नजर बरहक है, आप सभी जानते हैं नजर होती है, लोगों को लगती है पत्थर को भी तोड़ देती है। तो बहरहाल लेकिन आकिब भाई की खुशी है और वो आकिब भाई खुद अपनी जबानी बताएंगे। आकिब भाई प्लीज। ये हम लोग इनको लायन बोलते हैं, तो इनके बकरे का नाम भी हम लोग ने लायन ही रखे है। ये बकरे का नाम लायन है और आकिब को भी हम लोग लायन बोलते हैं। तो आकिब भाई थोड़ा सी आप जो खुशी अपनी जाहिर करना है वो जाहिर। बहुत अच्छा बकरा है भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। आसिफ भाई के साथ हम लोग जाते रहते हैं, हर फार्म पे भी घूमते रहते हैं। आसिफ भाई हमेशा घर के ऐसा लेके जाते हैं भाई घुमाने के लिए भी हम लोग को। बाकी बकरा है बहुत अच्छा माशाल्लाह, चीज देख लो आप लोग। आसिफ भाई आओ, बोलो बोलो आसिफ भाई, डरने का नहीं। अरे वो अच्छे से, आकिब भाई ने एक बनूर का बच्चा भी लिया मेरे पास से और वो भी वो बनूर का बच्चा इतना हैरान गया है ना, हम लोग तुमको क्या बोलो, दिन बेच डालेंगे हम लोग, बेच डालेंगे उसे यार, बेच डालेंगे हमारा तो बेच देते हैं बीच में। एक बार बोले भाई ऑफर आ गया, बोले तो निपटा दूं तुम्हारा, नहीं नहीं भाई तुम ये रहने दो। तो वो खुशी है, थोड़ी सी खुशी के लिए इन्होंने केक लेके आए हम लोग के वहां पे। हम लोग मोस्टली ये सब चीजें नहीं करते, मैं बचता हूँ ये सब चीजों से, केक है, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट थी, उन्होंने खुद जाके केक लेके आए। स्टार परिवार के नाम से हमारा 100 केजी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बकरा काटा करके बकरा नहीं काटा, काटा नहीं करना, नहीं नहीं ठीक है, जरूरत नहीं है। बहरहाल आकिब भाई आप केक काटो, आपकी खुशी है, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। नहीं आप साथ में आना, अच्छा अच्छा साथ में आ जाओ भाई भाई अंदर हो जाओ। तुम लोग की मेहनत है यार, मेहनत एक्चुअली जो मेहनत है वो तौसीफ की, अमान की और वसीम की मेहनत है, क्योंकि दाने के ऊपर रहना ये इनका ही काम है। मैं मोस्टली दाने पे नहीं खड़ा रहता हूँ, मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ, इन लोग ही दाना करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट इन लोग मुझे दे रहे हैं। खाली फीड खरीद के मैं लाता हूँ, पैसा मेरा रहता है लेकिन मेहनत ये सब लोगों की है। तो बहरहाल हम लोग आज ये 100 केजी सेलिब्रेट कर रहे हैं और दुआ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ कीजिए उस बकरे के लिए कि वह 130, 140 या 120 जो भी वेट हो उसके लिए। इजहार भाई आओ ना, आ जाओ सब, आ जाओ आ जाओ, हाथ लगाओ सब लगाओ, चलो 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 चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलो चलो। केक भी अच्छा है माशाल्लाह यार, अमान भाई तुम्हारे में अमान अमान आ जा, अमान मोबाइल आएगा भाई, खराब नहीं है। चलो आकिब भाई अमान को खिला दो भाई, ये हमारे हर वीडियो में रहते हैं लेकिन बेचारे पीछे रहते हैं, हमारे साथ हमेशा मेरा शूट करने वाला मेरा बेटा ही है, वीडियो सारी शूट वही करता है, कोई बाहर का आदमी नहीं है भाई।
इनकी बहुत मेहनत है भाई। आसिफ भाई को भी खिलाओ। हाँ आसिफ भाई, आसिफ भाई को बोल रहे केक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। किसी को प्रमोशन तो ऐसा वीडियो में हम लोग मोस्टली करते नहीं है, लेकिन ये शुगर एंड लव मैं मोस्टली मेरे घर के लिए भी केक यहीं से लेता हूँ और काफी अच्छे केक बनाते हैं। वो एक लेडी बैठती है ना, वो अच्छा केक बनाती है माशाल्लाह। अगर मुमरा में आप रहते हैं तो उधर जाके ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग कई ऐसे केक है जो वहाँ से मुझे मिल जाता है वो फ्लेवर तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। खाने में मजा है, रेड वेलवेट भी काफी अच्छा है उनका जो हम लोग अभी खा रहे हैं। ये आलम तो आप जाए उधर ले, ये प्रमोशन नहीं है लेकिन फिर भी एक किसी के पास से आया है और अच्छी चीज है तो उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। ये एक किस्म की खुशी है, अच्छा लगता है कि लोग अलग अलग किस्म से सेलिब्रेट करते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं और ये ज़रूरी है। हमें खुशी एक दूसरे को जाहिर करना चाहिए। हम लोग ये सब चीज़ों में काफ़ी पीछे रहते हैं, छोटी मोटी खुशियों से दूर भागते हैं, काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन इस बार आकिब के बोलने पे और इनकी टीम है, ये पापा है, ये बाबू भाई है, ये लोग की पूरी एक टीम है, इनके बोलने के ऊपर हम लोग ने आज ये छोटा सी सेलिब्रेशन या जो भी बोले खुशी जाहिर करना था तो केक काटे और ये सब चीज़ें हुआ। बस रिक्वेस्ट ये है आप सभी लोगों से कि आप लोग उस बकरे के लिए जो बकरा है उसके लिए आप दुआ कीजिए, अल्लाह उसको सेहत रखे और अच्छा रखे और वेट गेन करे और हम लोग कोशिश करें। ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है कि मैं पलाई करता हूँ या मेरे इधर बहुत ज़्यादा अच्छा वेट गेन होता है, ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं पलाई के कॉन्सेप्ट से काफ़ी दूर हूँ, मुझे पलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा काम ट्रेडिंग है। लेकिन कुछ 26 जनवरी की कुछ स्कीम की वजह से मेरे पास 10-15 बकरे पलाई पे आ चुके हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो भी बकरे हमारे पास आए उसको 100% देने की। तो हम लोग पलाई सेक्शन में किसी का कॉम्पिटिशन या कोई कॉम्पिटिटर बनना है मुझे या फ्यूचर में कुछ करना है, मेरा काम ट्रेडिंग है और इंशाल्लाह हम लोग ट्रेडिंग में ही रहेंगे। ये अल्लाह से मेरी खुद की दुआ है कि मैं ट्रेडिंग में ही सक्सेसफुल रहूँ, बाकी मुझे पलाई कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है। लेकिन जो बकरे हैं इंशाल्लाह हम लोग उसको 100%। बहरहाल वीडियो यही ख़त्म करते हैं, ये बकरे को छोड़ते हैं हम लोग और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।